नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे। भाई आज है जो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है, आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, कई मास्टरों को बेसब्री से इंतजार था क्योंकि कई दिन हो गए एग्जाम दिए हुए, काफी 2-3 महीने बीत गए और लगातार जो था रिजल्ट के लिए आपने टकटकी लगा के देख रहे थे। तो आज आपका जो है इंतजार समाप्त होने वाला है। देखिए न्यूज क्या है, तो आज की न्यूज है कि अध्यापक भर्ती लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थियों को आज मिलेगी सौगात। 21,000 पदों पर आयोजित अध्यापक लेवल 1 का परिणाम आज हो सकता है जारी। पिछले कुछ दिनों से परिणाम जारी करने की हो रही है मांग। आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलपति रांका से मुलाकात की। साथियों आज जो आपका अध्यापक लेवल भर्ती फर्स्ट का जो है रिजल्ट आने वाला है, कितने बजे आने वाला है? तो शाम को 6 बजे, ठीक है, 6 PM पर आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। इसके लिए आप सभी को हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आपको जो है आपकी मेहनत को जरूर जो सरस्वती माँ है वो एक मंजिल तक पहुंचाएगी आपको। जरूर आपने यदि शिद्दत से मेहनत की है तो उसका जो है फल मिलेगा। इसके बाद में साथियों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, यानी आज से देखो आप कितने दिन पहले का, 11 दिन पहले का वीडियो। इस पर आपने प्यार भी काफी दिया, यानी 8,000 के लगभग इस पर व्यूज है, तो आपने प्यार भी काफी दिया है। और इसमें मैंने बताया था कि जो रिजल्ट है वो भाई बहुत जल्द जारी होने वाला है। और उसमें आप देख सकते हैं आज भी कि मैंने क्या तारीख बताई थी उसमें कि 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक जो है लेवल प्रथम का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो आज कितनी तारीख है, ठीक है, तो साथियों क्योंकि राखी का टाइम था और सर्वर वगैरह थोड़ा जो है स्लो चलने के कारण कुछ 1-2 दिन है ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी जो मैंने इंफॉर्मेशन दी थी उसके अनुसार ही रिजल्ट है जो जारी होने वाला है आज। क्योंकि जिस दिन 28 तारीख थी उस दिन कई लड़कों ने मुझे मैसेज किया था कि सर आज रिजल्ट आने वाला था वो आया क्यों नहीं। तो भाई देखो राखी का त्यौहार था और कुछ डिपार्टमेंट में छुट्टियां आने के कारण 2-3 दिन का जो था गैप आ गया। तो आज जो आपका रिजल्ट है कन्फर्म, ठीक है, 6 PM शाम को है जो आपके डिक्लेयर हो जाएगा। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। एक कट ऑफ वाली भी आपकी बात बता देता हूँ, इसी वीडियो में मैंने कट ऑफ बताई थी और रिजल्ट आने के बाद में देख लेना कट ऑफ इतनी की इतनी रहेगी। तो सर कितनी रहेगी कट ऑफ? मैंने बताया था कि जनरल की जो 2 गुणे की कट ऑफ रही थी वो रही थी 186 और फाइनल कट ऑफ यानी 1 गुणा की कट ऑफ रहेगी 195, ठीक है, 195। और ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी वर्ग की, ठीक है, ये महिला पुरुषों के लिए, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, ठीक है, तो ओबीसी की कट ऑफ रही थी 2 गुणा की 175 और फाइनल कट ऑफ रहेगी 183, ठीक है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे आप मान सकते हैं, इसमें कोई देखो बड़ी बात है नहीं, कहीं ऐसा नहीं होगी 183 की जगह 184 रह जाए आप आके मेरा गला पकड़ ले, तो ऐसे गले पकड़ने वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। और एमबीसी की बात करते हैं तो एमबीसी की 2 गुणे की कट ऑफ रही थी 172 और फाइनल कट ऑफ रहेगी 180, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो नई कास्ट बनी थी उसके अनुसार बात करते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की जो 2 गुणे की कट ऑफ रही थी वो रही थी 166 और 1 गुणा की यानी फाइनल कट ऑफ रहेगी 173। और एससी की बात करते हैं साथियों, एससी वर्ग के जो साथी है उनकी 2 गुणे की कट ऑफ रही थी 187 और फाइनल रहेगी 164। और एसटी वर्ग की बात करते हैं तो एसटी के साथियों की 2 गुणा की कट ऑफ रही थी 143 और फाइनल लगभग रहेगी 151, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द आपकी है जो 1 गुणा की कट ऑफ रहेगी। और जो बताया था साथियों हमेशा आपके साथ में खड़े हैं, पूरी शिद्दत से और पूरी ईमानदारी से आपके साथ में खड़े हैं। बताया था कि जो है 28 तारीख तक, जो 28 अगस्त तक है आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन क्योंकि राखी की छुट्टियां आ गई थी और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज जो है आपका विभाग रिजल्ट जारी कर देगा। तो ज्यादा लेट हुए नहीं भाई, सिर्फ कितने दिन लेट हुए, तो 2 दिन लेट हुए। आज कितनी तारीख है? तो आज 31 अगस्त है, ठीक है, आज 31 अगस्त शाम को 6 बजे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ मैंने बता दी है, कट ऑफ इतनी की इतनी ही रहेगी, ठीक है। तो सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। देखो पुलिस के बारे में भी अच्छी खासी न्यूज मैंने दी थी और आपको भी बता रहा हूं, यदि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो मिठाई पहुंचा देना भाई, ठीक है, अजमेर में हमारी टीम जो वर्क कर रही है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट आप जरूर करना। बाकी जिन विद्यार्थियों का इसमें चयन नहीं हो, किसी भी चीज या कोई भी परिणाम आपका अंतिम नहीं होता, लगातार तैयारी करते रहिए। एक ना एक दिन आपको जो सरस्वती माँ है
वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो अपने ऊपर ऋण नहीं रखती, आपको सूत समेत आपकी मेहनत का जो फल है वो लौटाएगी। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत। आशा है कि इस लिस्ट में आपका नाम जरूर शामिल होगा। नमस्कार।